आज हमारे प्रदेश कांग्रेस के यशस्वी अध्यक्ष, हाँ बोलो, माननीय गोविंद डोटासरा जी का हम शहर कांग्रेस के तमाम ब्लॉक अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने, वार्ड अध्यक्षों ने, हमारे कांग्रेस के पार्षद, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर उनका जन्मदिन समारोह केक काट करके मनाया। हम ईश्वर से एक प्रार्थना करते हैं डोटासरा जी ऐसे ओजस्वी रूप से हमारा नेतृत्व करें, वो दीर्घायु और निरोगी रहे। लेकिन आप सब अध्यक्ष जी के बर्थडे केक काटने के बाद हम जिलाधीश कार्यालय जा रहे हैं। राजस्थान में 15 दिसंबर को पर्ची की सरकार बनी। जयपुर शहर से चुने हुए सांगानेर के विधायक भजन लाल जी को मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का। हम अफसोस से कह सकते हैं, मैं जयपुर शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, जयपुर शहर में ही कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिगड़े बोल करके जो शहर का अमन चैन को वो भंग करना चाहते। जयपुर शहर में खड्डे हैं या खड्डों में सड़क है, ये राजस्थान की राजधानी का दुर्भाग्य है कि सड़क में खड्डा है या खड्डे में सड़क है। राजधानी में अगर सड़कों का ये बदहाल है तो हालात कैसे होंगे। जब पानी चाहिए था हमें पानी नहीं मिला जयपुर वालों को, जब बिजली चाहिए थी हमें बिजली नहीं मिली। हमको कहा गया था कि हरियाणा की तर्ज पर हम पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, 9 महीने में कहीं कुछ बदलाव नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं, लेकिन हमारी पर्ची की सरकार जनता को राहत नहीं दे पा रही है। अतिवृष्टि हुई, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। इन सारे 9 सूत्री कार्यक्रमों को लेकर के हम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम जिलाधीश कार्यालय से वहाँ नारे लगाते हुए जाएंगे और जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे करके कहेंगे कि सरकार हालात ठीक करे। यही आज हम जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ में माननीय अध्यक्ष जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज हम PCC के आह्वान पर राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन देने जिलाधीश महोदय को अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 महीने के जो ये पीरियड निकला है उसमें अभी तक सरकार फ्लाइंग मोड में आई नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया। 8 महीने के बाद IAS IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। आज तक जितनी भी हमारी योजनाएं थी उनको इन्होंने बंद करने के अलावा कोई काम नहीं किया। अध्यक्ष जी जिस तरह से बता रहे थे कि जयपुर में बरसात में जो हाल हुए, जब पिछले साल बरसात ज्यादा थी तो कंटिंजेंसी प्लान बना के हमने 4 महीने पहले ही सारी सड़कों के टेंडर करा दिए थे। पता था कि सड़कें टूटेंगी और जैसे ही दीपावली से पहले हमने पूरे शहर की सड़कों को दुरुस्त करा दिया था। आज तक बरसात खत्म हुए भी 1 हफ्ता हो गया, आज तक कोई ऐसा काम सरकार की तरफ से नहीं दिखा जिसमें ये सड़कों को रिपेयर करें। दीपावली आने वाली है, फेस्टिवल सीजन चालू है, दुनिया भर का टूरिस्ट है जयपुर। जयपुर जो शहर है हमारा, खाली किशनपुर विधानसभा क्षेत्र मान लें या जयपुर के परकोटे की तीनों चारों विधानसभा क्षेत्र, 200 करोड़ रुपए रोज का व्यापार होता है और 18% अगर GST भी माने तो 18 गुना 36 करोड़ रुपए रोज की आमद होती है। आप ये देखिए कि जयपुर में सरकार इतनी उदासीन है कि कोई काम सरकार नहीं कर रही। रिसर्च एंड राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसमें वही चीज है जो हमारी सरकार ने रिप्स में, चाहे बात करें, चाहे कोई औद्योगिक नीति की बात करें, वही प्लानिंग जो हमने करी थी उसी को एक नई बोतल में उतारा है इन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को जगाने का आज हमने एक ज्ञापन दे रहे और ये सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार लोगों की सुध ले। बिजली पानी का अभाव है, ना बिजली टाइम पे मिल रही है ना पानी मिल रहा है। बीसलपुर भर चुका है लेकिन जयपुर में पानी नहीं बढ़ाया अभी तक, बल्कि कटौती करी है। हमने पूरे शहर में 37 किलोमीटर की नई लाइनें डलवाई थी पानी, आज वो सूखी पड़ी है। 1.5 घंटा 1 घंटे से ज्यादा का पानी नहीं आता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन है,
उन्हें बधाई और आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आज हमारे अध्यक्ष जी के जन्म दिवस पे आप सब लोगों ने आगे शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए एक टारगेटेड वक्तव्य है, सरकार के पास सारे अधिकार है। अगर किसी आदमी ने ऐसा खड़ा है जिस तरीके से किरोड़ी जी कह रहे हैं, तो जिस तरीके से ईडी की बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हैं, कराए ना, लेकिन लोगों को भ्रमित ना करें। झूठे आरोप किसी आदमी पे, अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। एक आदमी का इन्वॉल्वमेंट है, सरकार के पास अधिकार है, जांच कराएं पिछले 15-20 साल में कौन सी जमीनें ट्रांसफर हुई, कौन सी जमीनों पर अतिक्रमण हुआ, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए। अगर किरोड़ी जी ने कहा है तो किन तथ्यों पे कहा है, ये सरकार जांच कराए। झूठे आरोप लगाने से लोग बहुत भ्रमित हो चुके, इस झूठे आरोपों को देख के झूठी बात करके आज हरियाणा में इनका हश होने जा रहा है, वो देख लीजिएगा, आपके 10 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। आज हमारे आदरणीय ऊर्जावान अध्यक्ष का, अध्यक्ष जी का 60वां जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हमने मानवता का एक संदेश देने के लिए एक ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग बड़े उत्साह से रक्तदान कर रहे हैं और ये रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके और एक अच्छा संदेश जाए कि युवा पीढ़ी में कि रक्त देने से की जो भ्रांतियाँ वो दूर हो और एक मैसेज आए कि भाई रक्त देना एक अच्छा काम है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लगातार सुबह से लोग आ रहे हैं और अपना स्वैच्छिक रक्तदान उसमें कर रहे हैं, आगे बढ़ के रक्तदान का काम कर रहे हैं। अब तक 60 प्लस यूनिट हो चुका है और लगभग 100 तक जाने का हमको उम्मीद है। जिस प्रकार से लगातार डोटासरा जी जब से प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से नगर निगम का चुनाव हो, जी पंचायत का हो, विधानसभा इलेक्शन में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा हो, लोकसभा में हमने सारी भ्रांतियों को तोड़कर इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीती और जिस हिसाब से डोटासरा जी का करेज आमजन में, तो हमें पूरा विश्वास है कि उपचुनाव में भी हम बीजेपी का सपाया राजस्थान से करेंगे। डोटासरा जी का जन्मदिन है, क्या संदेश देंगे, रक्तदान आपने यहाँ लगाया है, क्या कहना? देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, उन्होंने पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी ऊर्जावान भरिए, ऐसे कार्यकर्ता पैदा करे हैं, उन्होंने वाकई में ही राजस्थान के अंदर एक परचम लहराया है, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। उस कार्य के अंदर आज उनका बर्थडे था, वो हरियाणा गए हुए, लेकिन कार्यकर्ताओं में इतना जोश था कि कार्यकर्ता खुद स्वयं आके और यहाँ ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया, उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया और बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। जिन जिन लोगों को पता पड़ता रहा वो लोग आते रहे, पूरे जयपुर के लोग लौट कर आए और अच्छे लोग आए, काफ़ी लोग आए और काफ़ी अच्छा वो योगदान रहा है और जनता के प्रति अच्छा उनका नहीं है, बहुत अच्छा सुबह। निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, 7वीं सीट पे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनका तो एक साल के अंदर ही काला मुंह हो गया है, इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई पड़ी हुई हैं, खड्डे हो रहे हैं, पैचवर्क नहीं हो रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, विधायकों की इनकी चलती नहीं है, मंत्री इनके जो है वो सुनते नहीं हैं, पर्ची सरकार है, केंद्र से होते हैं काम, केंद्र जो कहता है वो काम होते हैं।